मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से मॉर्निंग में वेलकम है। और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लाइक इट्स रियली कोल्ड। इसीलिए मतलब कल रात को यहाँ पे ना बहुत बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। आपको मेरी ब्रीथ से पता चल रहा होगा, यू कैन सी द मिस्टी ब्रीथ। सो हम लोग इसको बचपन में बोलते थे धुएं, मुँह से धुआं निकलना। बचपन की तो बात ही अलग होती है। और उधर देखिए, वो आपको अपहिल में जंगल दिख रहा है। मुझे ये एरिया ना पता है, वो जो जंगल है ना, ऐसे समर्स में ना ऐसे पिंक ऑरेंजिश पेड़ हो जाता है ना, तो एकदम ऐसा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सो जब समर्स होगा तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊँ। सोच रहे होगे मैं इतनी ठंड में क्यों वॉक कर रही हूँ। बेसिकली ठंड में वॉक नहीं करी, मैं निकली थी तब इतना ज़्यादा नहीं था। देखो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे, मतलब कल पूरी रात स्नो हुई है, तो आप नोटिस कर पा रहे होगे राइट, यहाँ पे पूरा स्नो जमा हुआ है। आप बैकड्रॉप में भी देखो, पूरा स्नो जमा हुआ है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, रात को स्नो होती है। मतलब सुबह में भी दिखाते कि सुबह 10 बजे तक स्नो होगी, लेकिन फिर उसके बाद गायब ही हो जाता है। और मैं स्नो, मुझे बहुत पसंद है, मतलब अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आपको स्नो में बैठना पड़े। अभी पता है मैं वो थोड़ा सा जैसे ही वॉक पे निकली, अचानक से बारिश होने लगी। तो मतलब बारिश कैसे ड्रिजल ड्रिजल टाइप का। और अभी ना इतना जब ड्रिजल होता है ना, तो ये पूरा जो जंगल है ना, उसमें देखिए पूरा ऐसे पानी भर गया है। लाइक यू कैन सी, ये पूरा एरिया बहुत ही डर्टी डर्टी सा हो गया, पूरा पानी भर गया। एंड दिस एरिया इज़ नॉट मेंटेन। ये वाला एरिया ही आपको थोड़ा थोड़ा बस ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, बाकी सब ये है। एनीवे यहाँ पे ना मुझे जल्दी जल्दी से वॉक कम्प्लीट करके घर भी जाना है, बिकॉज बहुत सारा काम है। साइड स्नो थोड़ा सा डिपॉजिटेड है, मतलब लेक के आसपास, क्योंकि रात भर स्नो हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट अभी सारा स्नो जो है ना बारिश की वजह हो गया। और ये ब्रीथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने हाथ में कुछ एक्चुअली पहना नहीं, लेकिन ठंड की वजह से मेरे हाथ ऐसे कुकुड़ गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया। लाइक यू कैन सी इट हैज़ बिकम ब्लड रेड, एकदम इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। और धूप का तो नामो निशान नहीं है। आई थिंक यहाँ पर हमने 2-3 दिन से धूप देखी ही नहीं है, तो ये पैटर्न तो आई थिंक कंटिन्यूड ही रहेगा। और मेरे हाथ की हालत देखिए, एकदम ऐसे लाल हो गए। मेरे हाथ ना ऐसे ज़रा सा भी ना, जैसे ठंड होती है ना, तो मेरे हाथ और पैर सबसे ज़्यादा यूनिट होते हैं। मैं इसको पॉकेट में डाल लेती हूँ। हेलो, पता है बचपन में क्या करते थे स्कूल के बाहर ना, जैसे कहते थे, तो फिर हम लोग एनीवे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा एक राउंड हो चुका है। तो हम लोग ना, मतलब जैसे विंटर्स में स्पेशली, और मैं इधर का रास्ता ले लूँगी, साथ ही लगे हाथ मेल बॉक्स भी चेक कर लूँगी। नहीं, मैं कैमरा कैसे रखूँ यार, ये मेरा सेल्फी स्टिक भी पुराना हो गया, हमेशा गिरते पड़ता रहता है। तो बचपन में यही होता था, एनीवे इधर ही से चली जाती हूँ। आई डोंट थिंक उस एरिया में जाना, मतलब उधर मेन रोड की तरफ निकलना पड़ेगा, मुझे उधर जाने का मन नहीं कर रहा। देखिए ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं अपने अच्छे वाले आलू के पराठे। आलू बोल रही हूँ, सॉरी, दाल के पराठे। आलू के पराठे भी खाए हुए काफ़ी दिन हो गया, सो लेट्स सी कब बनेगा। मतलब इजी होता है आलू का पराठा बनाना, जैसे दाल का फिलिंग बनाना फिर भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आलू का फिलिंग तो फटाफट से बन जाता है जब आपका पोटैटोज बॉइल्ड हो तो। और ये पराठा इतना अच्छा राउंड राउंड सा बन रहा था, और साथ में मैं बॉइल मतलब मिल्क बॉइल कर रही थी, क्योंकि मुझे कर्ड सेट करना था।
मतलब विंटर्स में ऐसे तो दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं उसको ना थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ला के, ऐसे कभी रायता हुआ या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब दही का, दही वाले चावल कुछ भी ऐसा खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूध इतना पसंद नहीं है। मुझे टी कॉफ़ी में मिल्क अच्छा लगता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप मुझसे कहोगे ना कि दूध पी लो तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है। और दही अगर क्रीमी क्रीमी सा हो ना तो फिर मैं खा लेती हूँ, और दूध को काफ़ी देर तक बॉयल करती हूँ ताकि एकदम थिक थिक सा हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे घर में सभी को जो दही है वो एकदम, मतलब उसमें वो बोलते हैं ना, हम लोग बिहारी में उसको छाली बोलते हैं, पता नहीं आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब उसमें मलाई हो अच्छी वाली, तभी सब लोग खाते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और मेरी प्रॉब्लम है ना, मुझे ठंड से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं थैंकफुली अभी तक बीमार वगैरह भी नहीं पड़ी हूँ, लेकिन मुझे ठंड से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, विंटर्स में मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, मतलब स्पेशली लेग्स एंड यू नो लाइक लोअर बॉडी, इट डज पेन अ लॉट। तो मतलब, और मैं इसीलिए दही फ्रिक्वेंटली, एक कटोरी दही तो हर दिन खाती हूँ। और होता है ना ऐसा, विंटर्स में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, फिर आप हीटर चलाए बिना तो आपका गुजारा मतलब बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे ठंड अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मेरा बॉडी पेन होने लगे। सो आई एम होपिंग जल्दी जल्दी से समर्स आ जाए, तो अभी टाइम है। लेकिन समर्स में ना मुझे, इस बार मैं सोच रही हूँ ना, मैं एक बाइक खरीदूँगी, लाइक आई गो अराउंड इन दिस कम्युनिटी। मुझे बाइकिंग बहुत बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइए, आप लोग में से जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ में मुझे बाइकिंग पसंद है, मुझे टेनिस खेलना पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, ये सब चीज़ें सुबह मुझे आती नहीं, तो आप लोग डेफिनेटली बताइएगा आप लोग समर्स में क्या करते हो। और इतनी ज़्यादा बारिश बारिश का वेदर है, सो यू नो घर भी पूरा एकदम डार्क डार्क सा हो जाता है, तो मैं दिन में लाइट, और पता है यहाँ पे ना US या फिर यूरोप साइड, मतलब इस सब जगह आपको येलो लाइट्स मिलेगी, तो मुझे ना ये येलो लाइट्स बहुत डिप्रेसिंग लगती है। सो मैं क्या करती हूँ ना, वो वाइट ब्राइट लाइट्स जो हम लोग न्यूयॉर्क से लेके आए थे, वही हमेशा लगा के रखती हूँ, उससे थोड़ा तो यू नो पॉजिटिविटी मिलता है। मतलब मैं जब, मुझे याद है मैं जब US नई नई आई थी, और हर जगह ये येलो वाली लाइट्स देखती थी, मुझे बहुत वियर्ड लगता था। जैसे मैं क्लीवलैंड में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई रिमेम्बर मुझे गुस्सा आता था, जो लगता था क्या करूँ। और तब तो मतलब इतना भी नहीं था ना कि, मतलब एज अ स्टूडेंट आप टेम्प्रेरी रहते, तो हम लोग जैसे ऑन कैंपस हाउसिंग में थोड़े दिन रहते, तो मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता ना कि आप अपने हिसाब से चीज़ें बदल सकते हो। लेकिन अभी मैं ट्राई करती हूँ, जैसे इस वाले अपार्टमेंट में भी ना, मतलब यहाँ पे भी किचन में देखिए येलो वाली लाइट्स है। सो बेसिकली आई एम थिंकिंग कि इसको भी मैं कैसे चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ, और फॉल सीलिंग को कनेक्टेड है, सो आई डोंट नो लाइक। और जैसे न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था इसीलिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ब्राइट वाइट लाइट्स जलती थी किचन में भी एंड अदर प्लेसेस। आई डोंट नो, वी हम लोग जो इंडिया में पले बड़े होते हैं ना, हम लोग हमेशा वाइट लाइट्स को ही देख के पले बड़े होते हैं, सो हमको ना ऐसे आदत हो जाती है। ऑलमोस्ट अपना सारा ये बन गया था, और मैंने कुछ बीन्स को बॉयल भी कर ली थी। बीन्स जैसे बॉयल करके रख लेती हूँ ना, तो मैं इसका सैलड वगैरह भी फटाफट से बना लेती हूँ। जैसे अगर सुबह को अगर मुझे बाहर जाना हो, यू नो फॉर सम वर्क एंड आई हैव टू कैरी अ लंच और समथिंग, तो मैं बीन सैलड फटाफट से उसमें
प्याज टमाटर क्यूक्यूम्बर जो भी वेजीज मेरे पास होती है और थोड़ा सा पीनट्स वगैरह डाल के मैं बीन्स सैलड बना के ना चली जाती हूँ एंड इट्स वेरी फिलिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बीन्स खाना, ऐसे बॉयल्ड बीन्स मुझे अब खाली दे दो तो मैं ज़्यादा, मुझे लगता है ना मुझे बॉयल्ड चना, बॉयल्ड बीन्स या फिर वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और चिकन तो मैं आउट ऑफ द ब्लूज खा लेती हूँ, लेकिन अब मेरा अब उतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं होता चिकन खाने का। मतलब वेज खाने में इतनी सारी ऑप्शंस मिल जाता है, फिर चिकन खाने का मन नहीं करता। पराठे रेडी हो चुके थे और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ रायता। रायता में मैंने कुछ नहीं डाला था क्योंकि मुझे बहुत लेजी फील हो रहा था, तो मैंने बस गाजर को ग्रेट करके सॉल्ट पेपर और हल्का गार्लिक वगैरह डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये रायता काफ़ी टेस्टी बनता है। देखिए अपनी मस्त सी कॉफ़ी भी बन गई और आज की कॉफ़ी ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बनी थी। कि मेरे साथ होता है ना, मतलब कभी कभी मैं ऐसे मुझे कॉफ़ी ना ऐसे क्रीमी क्रीमी सा और उसमें मस्त सा ऐसे ना देयर इज़ लाइक अ टू लेयर्स ऑफ फोम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब मुझे कॉफ़ी मिल जाती है देन आई एम गुड, उसके 2-3 घंटे बाद ही खाती हूँ कॉफ़ी के तुरंत बाद। मुझे भूख ही ना थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है और इस बारिश वाले वेदर में हम कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे। आप लोग बताएंगे आपके सिटीज़ में भी बारिश हो रही है क्या? स्प्रिंग में आपने कहीं सुना है बारिश होती है? बॉस्टन का अमेजिंग वेदर है कि यहाँ बारिश हो रही है, और माय फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क दे वर टेलिंग मी इस बार तो एकदम से स्नो नहीं हुई, मतलब बारिश ही बारिश हो रही है। सो आई थिंक इट्स ऑल अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि यू नो लाइक द वेदर हैज़ बीन चेंज्ड जैसे सो ड्रास्टिकली, या तो बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है, स्नो की जगह बारिश होती है। So we all really need to think about it. मुझे फुल डे का रूटीन शेयर करूँगी, मतलब रात तक का। जनरली मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ बाई अराउंड 5 o'clock, 5 or 6 PM मैक्सिमम, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे फुल डे का शेयर करूँगी। सो अभी शाम का टाइम हो रहा था और मैं बना रही थी अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बोल रही हूँ टी बना रही थी, और मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है। तो मेरा एक बार कॉफ़ी बन जाता है ना तो आई फील रियली गुड। और पता है आप मेरा फेस नोटिस करना, जिस दिन मैं जैसे हेड शावर लेती हूँ या फिर व्हेन आई क्लीन माय हेयर, उस दिन मेरा फेस एकदम अलग लगता है वर्सेस जिस दिन मतलब मेरा बाल में चिपू चिपू जैसे मैं लगती हूँ, उस दिन मैं बिल्कुल डिफरेंट लगती हूँ, बहुत ही अजीब लगती हूँ, मैं खुद को नोटिस करती हूँ तो। और जिस दिन हेड और मेरी मम्मी बोल रही थी तुम्हारा बाल बहुत कम हो गया, कुछ करो कुछ करो, तो मैं क्या बोलूँ, मैं सब कुछ तो खाती हूँ, यू नो आई ट्राई टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन्स एंड अदर थिंग्स, योगर्ट, प्रोटीन, लेकिन क्या बाल ऐसी चीज़ है, जैसे मेरा हेयरलाइन काफ़ी पीछे हो गया, लाइक मेरा जो फोरहेड वाला एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा। सो माय मॉम वाज टेलिंग कि यू शुड रियली बी केयरफुल। डिनर में बनने वाला है यमी यमी वाला एग करी, बहुत दिन बाद एग करी बना रही हूँ। मुझे तो एग इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है चलो बना लेते हैं, एक बार बन जाएगा फिर देखते हैं, मन किया तो थोड़ा बहुत खा ही लेंगे।
निमस एग करी क्या का मसाला मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैं शॉर्टकट मसाला बोलती हूँ कि रात में ना मुझे कुकिंग करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। मतलब दोपहर तक सारी कुकिंग कर लो सो वेल एंड गुड, उसके बाद तो मतलब ऐसा लगता है एकदम इंसान लेजी लेजी सा हो जाता है। लेकिन अराउंड मैंने ये 6-7 अंडे का बनाया था तो एक मतलब एक मील के लिए सफिशेंट था। कुछ बच जाएगा तो उसको आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हो। और आज मतलब मैं इस वीकेंड लाइक प्राइम पे मैंने इतने सारे सीरीज़ देखे लाइक नेटफ्लिक्स आई डोंट लाइक इट्स सो लाइक आउटडेटेड। नेटफ्लिक्स का कंटेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा बाहर अभी विंड चल रही थी तो मैंने सारा जो है ना पर्दा वगैरह डाल दिया था और बाहर से दिखता भी है तो मतलब और विंड चलती है तो द विंड डजंट कम इनसाइड। लेकिन ऐसे लगता है ना घर ऐसे कोजी सा हो गया। मुझे न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट ज़्यादा याद आता है उससे। उसमें बहुत ही छोटा सा क्यूट सा यू मेरा स्टूडियो हुआ करता था और मुझे छोटा जैसे स्टूडियो टाइप का है ना अपार्टमेंट उसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट करो। इट्स लाइक योर ओन लिटिल स्पेस। मुझे उस टाइप का घर बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी देख रही थी प्राइम वीडियो पे हाउस ऑफ गुची करके एक सीरीज़ है। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू सी लाइक ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं गुची प्राडा डियोर एंड ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स लाइक उनकी हिस्ट्री क्या है। सो ये सीरीज़ मैं वॉच कर रही थी। आई मीन इट वॉजंट दैट इंटरेस्टिंग। दे कुड हैव पोर्ट्रेड इट अ लॉट वेल। सो मतलब वो होता है जैसे कि मैं सोचती हूँ यार ये लग्जरी ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दस इज़ इट रियली वर्थ द हाइप। मतलब इन लग्जरी ब्रांड्स का जो ये है। और साइड में मतलब इधर मैं टीवी देख रही थी और इधर एग करी भी बन रहा था। मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ बहुत कम वंस इन अ ब्लू मून जो बोलते हैं ना। अभी भी मैं टीवी देख रही हूँ बिकॉज इधर मैंने टी बॉयल करने होने को डाल रखा है और उधर जो है एग करी बन रही है। इंडिया में भी जैसे कि हमारे यहाँ टीवी है लेकिन कोई देखता नहीं है फॉर इट्स वेरी वियर्ड। लाइक आई थिंक मुझे फ़ोन में ही मैं सब कुछ देख लेती हूँ। जैसे यूट्यूब देखना हो प्राइम देखना हो नेटफ्लिक्स देखना हो कुछ भी देखना हो मैं फ़ोन में देख लेती हूँ तो मुझे ऐसे टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब वो आदत हो गया। आज बहुत दिनों बाद पता है टीवी पे मतलब कि बहुत ब्राइटनेस होता है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स तो मुझे पसंद नहीं है। मैं फ़ोन पे जनरली वार्म लाइट्स में टीवी देखती हूँ टीवी बोल रही हूँ कुछ भी देखती हूँ तो मुझे फ़ोन पे अच्छा लगता है। मुझे पता है बेस्ट लगता है क्या कंबल के अंदर मस्त घुस जाओ विंटर्स में खासकर और आराम से मतलब मैं जैसे यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत कोजी फील होता है। मतलब अपने छोटे से डेन में घुस के आराम आराम से टीवी देखो। और चाय जब भी बहुत मस्त बनी थी। मैं हड़बड़ में ना चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ ऐसे। Ten of spades will allow you to. बाहर इतने ज़ोर से विंड जैसे विंड जब ब्लो होता है ना और कई जगह US न्यूजीलैंड आई थिंक सम पार्ट्स ऑफ यूरोप साइक्लोन वार्निंग भी आई है। सो ऑल ऑफ यू बी सेफ क्योंकि आजकल नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आ रहे हैं। मतलब आप सबको पता होगा सो अगर ऐसा कुछ है ऑल माई मतलब क्या बोलूँ किसी के साथ भी ये सिचुएशन ना आए नेचुरल डिजास्टर वाला। लेकिन वी आर ह्यूमंस और सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। और मुझे ये सीरीज़ जब तक डिनर चलेगा तब तक ही मतलब डिनर जब तक कुक होगा तब तक ही देखूंगी। Without sacrificing the family character of what this brand is. Family character is the brand. I'm here to embellish. I'm here to resurrect. Stop, please.
एक बार मैं टीवी देखने बैठ गई ना, फिर मेरा वो रात का सोने का पैटर्न ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत लेट से सोऊंगी, फिर लेट से उठूंगी, फिर अर्ली मॉर्निंग बहुत रश रश सा हो जाएगा। तो एक बार डिनर कुक हो जाए, फिर आराम से टीवी बंद करके आई विल जस्ट गो टू स्लीप। आप लोग बोलेंगे चाय पीने के बाद ये लड़की सोने जाती है।